मेरा नाम अरिंद कड़वासरा है मैं हनुमानगढ़ जिले से हूँ मैं सीएलसी में 2017 में आया था मेरे भैया के कहने पे भैया ने सीकर की बेस्ट कोचिंग सीएलसी को बताया तो हमने एडमिशन ले लिया और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी तरह ही था मैं जो रेगुलर क्लास आना रेगुलर टेस्ट देना जो मेन बात मुझे सबसे अलग लगी एक थाट मैं आपको शेयर करूँगा एवरी थिंग यू फील लाइक द हील स्ट्रगल देन जस्ट सी द टॉप व्यू जब आपको पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो जो आपको स्ट्रगल महसूस होता है उ, उस स्ट्रगल को आप मत देखो आप उसके टॉप व्यू पे देखो कि हिल के हिल के टॉप व्यू पे जाने के बाद आपको नीचे क्या दिखाई देता है सब छोटी हिल्स दिखाई देते हैं और कुछ नहीं लेकिन अगर आप हिल स्ट्रगल का देखोगे तब क्या दिखेगा आपको कि मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज़ोर आ रहा है लेकिन आप रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे तो आपको मेहनत कुछ नहीं लगेगी ट्वेल्थ में पढ़ रहे हो और आप अपने छोटे बहन भाई नाइन्थ टेंथ की बुक्स है जो क्वेश्चन है जो वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं आपको लगेगा है कि ये कुछ है ही नहीं लेकिन आप अपने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में आप ऐसा क्यों फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी परसेंट लगता है आपको आप उससे भी थोड़ा और हाई लेवल पे करिए ताकि आपको वो भी कुछ ना लगे तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर नीट से थोड़ा सा हाई लेवल पे करेंगे तो आपको नीट चुटकियों का खेल लगेगा और कुछ नहीं मेरी यही थिंकिंग थी और मैं इसी थिंकिंग पे हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करता रहा और अगर आप भी करोगे तो आप भी आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो दो चार नंबरों से भी रह गए तो ये बहुत अजीब फील आती है कि हम केवल दो चार नंबर और होते तो क्यों ना हम भी आज उनके बैच के होते कि हम भी 19 बैच के हैं भाई एक साल पीछे होना बहुत कठिन होता है लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि आप लास्ट तक मेहनत करनी है लास्ट तक सारे डाउट्स क्लियर करने हैं कुछ भी नहीं छोड़ना और जब नए पढ़ा हुआ और आँखों से निकला हुआ क्वेश्चन आता है तो वो बहुत कठिन होता है अगर हमने आँखों से निकाल दिया और अपना समझा हुआ नहीं हो, वो वही पेपर में आ गया तो वो बहुत गलत बात होगी आप कुछ भी मत छोड़िए सारा डाउट्स क्लियर कीजिए जय सी